home and welcome back to my channel Zaiqe Kiran. उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत मज़े की डिश जो कि है मटन कढ़ाई। आप चाहें तो इसको बीफ या चिकन में भी बना सकते हैं। चिकन में बनाने के लिए सिर्फ उसका कुकिंग टाइम जो है थोड़ा कम हो जाता है। तो कढ़ाई तो बहुत तरीके से बनती है, लेकिन जो तरीका मैं आपको आज बताने वाली हूँ बड़ा ही ज़बरदस्त है और बहुत अमेजिंग कढ़ाई बनती है। ज़रूर इस तरीके से ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपको कैसा लगा। एज़ यूजुअल मैं थोड़ी सी ज़्यादा बनाने वाली हूँ, तो मेरे पास तकरीबन 2.5 किलो मटन है। मगर हमेशा की तरह जब मैं अपना रेसिपी कार्ड अपलोड करूँगी तो आपकी आसानी के लिए 1 kg के हिसाब से अपलोड करूँगी। तो अपने इन्ग्रीडियंट्स बता दूँ मैं आपको। ये है मेरे पास ऑब्वियसली मटन, ठीक है जी। 3/4 कप है मेरे पास ऑयल, 1/3 मक्खन की टिकिया है मेरे पास। ये आप चाहें तो थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन जितना गुड़ डालें उतना मीठा वाली बात। तो अगर ये मक्खन यूज़ करेंगे तो टेस्ट गोइंग टू बी ऑसम। 4 tablespoons मेरे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है। और ये मैं और बताती चलूँ कि मैं हमेशा गार्लिक की क्वान्टिटी ज़्यादा रखती हूँ। फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च 2 teaspoons, कुटी लाल मिर्च 1.5 to 2 teaspoons अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ये है मेरे पास अजवाइन, चूँकि मैं अराउंड यूज़ करने वाली हूँ 1 teaspoon, ठीक है। कसूरी मेथी है थोड़ी सी, जो मैं अगेन 1 teaspoon यूज़ करूँगी। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ये है मेरे पास साबुत धनिया, कोरिएंडर सीड्स एंड सफ़ेद ज़ीरा, जो कि मैं 3 to 4 teaspoons ईच यूज़ करूँगी। ये कुछ मिर्चें कटी हुई हैं जो कि हम गोश्त को फ्राइंग के साथ भी डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये थोड़ा सा लेमन जूस है जो हम एंड में यूज़ करेंगे, साथ ही साथ अदरक एंड हरा धनिया जो कि हम यूज़ करने वाले हैं अपनी गार्निशिंग के टाइम पे। इसके साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ अराउंड 2 kg टमाटोज, जो कि सिंपली मैंने वाटर में बॉईल होने रख दिए हैं साबुत। एक बॉईल आ जाएगा तो हम इसको बंद करके और अपने टमाटोज निकाल लेंगे, तो ये बहुत आसानी से पील हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपको करके भी दिखाऊंगी, उससे इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा छिलके आने से थोड़ा मज़े की नहीं लगती है। तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कुकिंग इज़ एन आर्ट एज वेल, तो उसको फिर आर्टिस्टिक तरीके से ही बनाना चाहिए। तो जैसे ही ये पील करके मैं आपको दिखाऊंगी, उसके बाद इसका फर्स्ट स्टेप हम करेंगे, तो शुरू करें। चलिए जी, टमाटोज ये हमारे बॉयल हो गए हैं और अब हम सिंपली इसका चूल्हा बंद करके, देखिए आप अगर देखेंगे तो ऑलरेडी ये टमाटो के छिलके अलग होना शुरू हो गए हैं। सिंपली हम इसको 5 मिनट्स के लिए छोड़ेंगे, तो ये जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हम छिलके उतार के टमाटर निकाल लेंगे। इसके साथ ही हम अपने मसालों को जो हमें थोड़ा सा रोस्ट करने हैं वो रोस्ट करके ग्राइंड करें, ठीक है जी। ये मैं ले रही हूँ 4 teaspoons धनिया, और मैं इसको ड्राई रोस्ट करने के लिए पैन में रखा है, ठीक है। बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास मीट ज़्यादा है, अराउंड मैंने 6 कर दिया है, ठीक है जी। इसको हम ड्राई रोस्ट करते हैं थोड़ा सा। जब ये हो जाए लाइक 1/2 मिनट, तो फिर हम इसमें अपना ज़ीरा भी ऐड करके दोनों को साथ थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे और फिर हम इसको निकाल के ग्राइंड करेंगे, ठीक है जी। ये थोड़ा सा हमारा रोस्ट होना शुरू हो गया है, इसके साथ ही हम इसमें 1 tablespoon ज़ीरे के डालेंगे अराउंड 2 to 3, ठीक है। और दोनों को हम साथ रोस्ट करके और निकाल लेंगे और इनको थोड़ा मोटा ग्राइंड करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास सावन दस्ता हो विच इज़ अ कस्टलन मोटर, तो आप उसमें कर लीजिए, इवन बेटर। नहीं तो हम इसको थोड़ा सा मोटा कोर्सली ग्राइंड करके निकालेंगे, मोटा कुटा हुआ, ठीक है जी। ऑलमोस्ट डन, थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर आ जाए तो हम इसका चूल्हा बंद करके इसको हम रोस्ट कर लेंगे, ठीक है जी। ये हमने कोर्सली ग्राइंड कर लिया है थोड़ा दरदरा पीस के। अब अंदाजन इसमें 3 tablespoons भर के ज़ीरा था और इतना ही इसमें साबुत धनिया था, तो 1 teaspoon इसमें नॉट हीट रादर हाफ के करीब मैं इसमें अजवाइन ऐड करूँगी, ठीक है, साबुत। और उसको मिक्स करके इस मसाले को हम एक तरफ रख देंगे जो हमारी गार्निश के लिए यूज़ होगा। तो अब चलते हैं हम अपने टमाटोज की तरफ, ठीक है। टमाटोज हमारे काफ़ी हद तक कूल डाउन हो गए हैं, देखिए इस तरह बहुत आसानी से इनका छिलका उतरेगा और हम दूसरे पैन में इनको ट्रांसफ़र करते जाएंगे, ठीक है जी।
That's all you have to do. ये टमाटो सारे पैन में ट्रांसफर कर दिए हमने दूसरे पॉट में। इस स्टेज पे इसमें मैं ऐड करूँगी ये मक्खन जो हमने निकाला हुआ था, ठीक है, सही। और एज यूजुअल हमेशा की तरह हॉट वाटर मेरे पास है, थोड़ा सा हॉट वाटर ऐड करके, ठीक है, और ढक्कन लगा के इन टमाटोज को मैं गलने के लिए रख दूँगी ताकि हम पे इसको अच्छी तरह से इसके साथ भून लें, ठीक है जी। ये हमारा हमने गलने के लिए रख दिया। अम्मा चले जी, 10-15 मिनट से हमारे ये टमाटो पक रहे हैं, काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब हम इनको हटा देते हैं, बाकी थोड़ा ये गोश्त के साथ भी गल जाएंगे जो थोड़ी सी इनमें कसर रह गई है, ठीक है। और अब हम चलते हैं अपने मीट की तरफ, ठीक है, या तो आप चाहें तो हल्की आंच पे दूसरे चूल्हे पे इसको मज़ीद पकने दें, या हम मीट के साथ भी बाकी पका लेते हैं। तो चलते हैं अपने मीट की तरफ। 3/4 to 1 कप ऑयल मैंने डाल दिया है अपने पतीले में, आप चाहें तो कम कर सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि बटर भी यूज़ किया हमने काफ़ी, मगर डाल लें तो बेहतर है, ठीक है। ये मीट जा रहा है हमारे पतीले में अब, और अब हम इसको अच्छी तरह फ्राइंग के लिए डालते हैं, ठीक है जी। तो हमारा फ्राई हो रहा है, साथ ही इसमें मैं ये एक हरी मिर्च डाल के इसको साथ में फ्राई करूँगी, उससे क्या होगा कि बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आएगी और बहुत ज़बरदस्त अरोमा आएगा और कढ़ाई हमारी बड़ी ज़बरदस्त बनेगी। मिर्च हमारा फ्राई हो गया है और हरी मिर्च के साथ बहुत अच्छी इसमें से अरोमा आ रहा है। इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे अपना ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है, 4 टीस्पून हमारे पास थे वो हमने ऐड कर दिए हैं, और इसके साथ हम थोड़ा सा सौते करेंगे इसको, और ज़बरदस्त अब इसमें से जो है ना वो खुशबू उठ रही है अदरक लहसुन की। और आप देखें पानी अच्छी तरह से सूख गया है, ठीक है, उससे पहले मत कुछ ऐड करिएगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपनी सीजनिंग, ठीक है, 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर रहे हैं रेड चिली पाउडर, हीट नहीं था बहुत ज़्यादा, और 1 टेबलस्पून हीट बहुत अच्छी तरह से हम इसमें फ्रेश कटी हुई काली मिर्च ऐड कर रहे हैं, ठीक है जी। 1 टेबलस्पून हीट हम इसमें ऐड कर रहे हैं सॉल्ट, तो बाद में आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और 1/2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया कसूरी मेथी। आप लोग कहेंगे इसमें कोई भी पिसे हुए मसाले ज़्यादा नहीं डलते हैं, इसमें मसाले ज़्यादातर सारे कुटे हुए ही डल रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त ये इसमें से छूटती है मसाले डलने के बाद, सीजनिंग होने के बाद। और अब हम इसमें पानी डाल के गोश्त गलने तक पकाएंगे। एज़ यूजुअल गर्म पानी मेरे पास हैंडी है, इसमें अराउंड 1 से 1.5 कप मैं वाटर ऐड करूँगी, और ढक्कन लगा के हम मीडियम फ्लेम पे गोश्त गलने के लिए रख देंगे। गोश्त हमारा गल गया है ऑलमोस्ट, तो अब स्टेज में हम इसमें ये टमाटोज ऐड कर देंगे ताकि दोनों चीज़ें थोड़ी देर साफ पक जाएं, और फिर हम अपने गोश्त को बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे, ठीक है जी। ताकि ये ख़ासतौर पे अगर आप चिकन में बना रहे हों तो लाजमी आप अपने टमाटोज़ को इस तरह से पहले गला लीजिए, अगर जल्दी में हो आपके पास टाइम नहीं हो तो आप जिस वक्त गोश्त डालें अपना गलने के लिए रखें उसी वक्त टमाटोज़ काट के और आखिर में बटर डाल के भून सकते हैं, लेकिन जो ये टमाटोज़ हमने पहले बटर में भुने थे उससे टेस्ट हमेशा बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो कोई और थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपेरिमेंट आप टमाटोज़ को लेके करना चाहें तो ज़रूर करिए, क्योंकि मैं तो अपने किचन को भी अपना कलिनरी लैब कहती हूँ, क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं, ज़्यादा करके कामयाब होते हैं, कभी कभी कुछ फेल भी हो जाते हैं, बट दैट्स ओके, जितना आप फेलियर से सीखते हैं उतना सक्सेस से नहीं सीख पाते हैं। तो इसको हम अच्छी तरह से अब भूनते हैं फिर अपना फाइनल इसको करते हैं, ठीक है जी। बहुत अच्छा हमारा ये भुन गया है और थोड़ा इसकी कंसिस्टेंसी भी गाढ़ी हो गई है, ठीक है, मैं इस स्टेज पे इसको फाइनल करना शुरू करूँगी। अगर आप लोगों को और ड्राई पसंद हो तो थोड़ी देर और इसको पका के ड्राई कर लीजिए, ठीक है। इस स्टेज पे जो ये मसाला हमने बनाया था
ठीक है, साबुत धनिया ज़ीरा और अजवाइन का वो तकरीबन 4 टेबलस्पून मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी। ठीक है जी, ये आ गया हमारा 1 to 2 टेबलस्पून मैं इसमें अपना लेमन जूस ऐड करूँगी। आज बिल्कुल हल्की कर दी है मैंने, ठीक है। हरी मिर्चें कटी हुई, ठीक है, 3 से 4 अदर, चूनी एंड जिंजर, ठीक है, और लास्ट में ये हरा धनिया, और इसको हम ढक के 2 मिनट दम पर रखेंगे एंड देन उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे क्योंकि हमारी कढ़ाई तैयार है। चेक करते हैं अपनी कढ़ाई को, दम आ चुकी है, ज़बरदस्त दम आ चुकी है और बहुत ही अच्छी खुशबू उठ रही है, दिल चाह रहा है खाना शुरू कर दें। लेकिन हम पहले इसको सर्व करते हैं, सर्विंग डिश में निकालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, और ये नान के साथ या रोटी के साथ व्हाटएवर आप प्रेफर करें बहुत मज़े की लगती है। तो ये ऐसी डिश है कि अगर आप दावत में बना रहे हो तो एक दिन पहले भी बना के रख सकते हैं तो बड़ी सहूलत रहती है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ज़्यादा चीज़ें बन रही हों तो कुछ चीज़ें जो पहले से बना ली जाएँ वो बहुत आपको सहूलत देती हैं। तो हम अपनी अब इस कढ़ाई को अपनी सर्विंग डिश में निकालते हैं, ठीक है जी। हमने थोड़ी इसकी ग्रेवी रखी है, आप चाहें तो बिल्कुल ड्राई भी बना सकते हैं, प्रेफरेंस के ऊपर है ये, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त बनती है, ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए, मुझे बताइए आपको कैसा लगा, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि मेरी सारी रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें, और कोई फरमाइश हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। ज़बरदस्त हमारी मटन कढ़ाई तैयार है, आप चाहें तो इसको चिकन में भी बना सकते हैं, और सीखी कुकिंग टाइम आपका थोड़ा कम रहता है, सर्विंग करते हुए थोड़ा सा इसके ऊपर ये हरा धनिया में और इस तरह से स्प्रिंकल कर लूँगी एंड हमारी ज़बरदस्त मटन कढ़ाई तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ भी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।